लेना। ये देखो भाई, बहुत स्पेशल व्यू आ रहा है। सो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। हमारे एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है उदयपुर में। मैंने आपको कहा था मैं कुछ खास जगह उदयपुर की आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा। अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया, आप देख सकते हो तो सामने जो है उदयपुर की सिटी हमें दिख रही है, ठीक है ना। तो अभी देखेंगे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि मैं आज देखना चाहता हूँ, अंधेरे में ही निकलेंगे तो दिन में थोड़ा सा धूप भी होता है तो उसकी वजह से निकल नहीं पाते। तो थोड़ा सा जो आपको दिखा पाएंगे उतना दिखाएंगे, और जो मैं आज आपको खास दिखाने वाला हूँ वो अपना जिगरी दोस्त भाई, थोड़ा पास आएगा भाई, प्रेम भाई। प्रेम भाई से तो कल भी मिलाया था आपको, और ये अपना विजेंद्र भाई, बहुत सही है। ये वो बंदा है जो गठसाना वो जिला बन चुका है ना, अनूपगढ़ जिला बन चुका है। तो ये भाई वहाँ से यहाँ तक आए, आप सर्च मार सकते हो अनूपगढ़ टू उदयपुर कितने किलोमीटर आते हैं। तो भाई ये खास है भाई, और एक बार घरे लग जाए यार। तो ऐसे दोस्त होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे यार, तो जान से भी प्यारा है यार, इसलिए क्यों नहीं यार। तो मैं सबको कहता हूँ ऐसे दोस्त होने चाहिए, और ऐसे दोस्त की ये ऐसा साथ दे रहे हैं ना, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो अपना प्रेम भाई, ये भी यार जिगरी दोस्त है, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको जानता हूँ, इसकी वजह से ये भाई भी मिले। लेकिन जब इससे भी बात होगी तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। ये बिंकानेर से अपना भाई, और इसको तो जानती हो गठसाना से, अभी बोला तो जान गए। सो चलो देखते आज ये भाई लोग हमें कहाँ ले जाएंगे, इन्हें बोला हम घुमाएंगे तो चलो देखते हैं कहाँ ले जाते हैं। सो अभी आप यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, मेरा जो बैकग्राउंड है वो चेक करते जाओ आप, बहुत सही है, ठीक है ना। मैंने आपको परसों भी बोला, जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे रास्ते में बहुत जगह पर ऐसे फील हुआ कि मैं अभी कश्मीर में हूँ, क्योंकि हवा यहाँ की बहुत ठंडी चल रही है, यहाँ का व्यू, और यहाँ पे भी पहाड़ी है, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, यहाँ से थोड़ा दूर है तो उसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। यहाँ से भी मुझे बहुत पहाड़ी दिखती है, ऊंची ऊंची, ठीक है ना, हमारे कश्मीर के जैसे। सो चलो करेंगे एक काम, अभी कुछ टाइम के बाद यहाँ से निकलेंगे और देखेंगे कि आज हम क्या देख पाएंगे और आपको क्या दिखा पाएंगे। सो चलो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो गाइज, फाइनली अभी थोड़ा अंधेरा हो गया, आप देख सकते हो, और तरुण भाई से नहीं मिलाया था। तरुण भाई भी आगे जॉब करते तो जॉब से थोड़ा लेट आ गए 8:30। तो अभी चलेंगे, टी शर्ट चेंज मैंने कर ली, ज़्यादा नहीं किया, तो अभी यहाँ से चलेंगे, क्योंकि अभी चलो देखते ये लोग हमें क्या दिखाएंगे। सो नाइट का व्यू कुछ देखते आज। सो गाइज, फाइनली हम पहुँच गए फतेह सागर अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा, लेकिन पहले मैं तरुण भाई से कुछ यार बोलूँगा। तरुण भाई, इसको क्या नाम कहा आपने, फतेह सागर ले, इसको क्यों ये कहा जाता है फतेह सागर? राजा फतेह सिंह ने इसको निर्माण करवाया था, इसी कारण फतेह सागर झील कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे सुना ये झीलों की नगरी भी इसको कहा जाता है। बहुत सारी झीलें हैं इधर, तो इस कारण इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। जैसे फतेह सागर झील है, यहाँ पिछोला है, पास में ही पड़ती है हमारे, उदय सागर झील है, और इसके जस्ट 500 मीटर पे आगे स्वरूप सागर झील है हमारे, तो इसी कारण झीलों की नगरी कहते हैं। बहुत सारी झीलें हैं यहाँ पे, और टूरिज्म बहुत ज्यादा यहाँ आना पसंद करते हैं। अच्छा व्यू है यहाँ, बहुत अच्छा व्यू है। बारिश के मौसम में एकदम कश्मीर लगता है, बिल्कुल कश्मीर दिखता है वो। मुझे भी दिख रहा है। जिंदर भाई, आप क्यों भाग रहे हो यार? आगे आओ कश्मीरी के साथ हो तो थोड़ा आगे आओ। सो गाइज, फाइनली आप देख सकते हो अभी हम किस जगह पे आए, बहुत खूबसूरत जगह, अच्छी जगह है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, ठीक है ना, यहाँ का व्यू काफी अच्छा आ रहा है। अब कट्टा, चलो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। सो आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, ये देखो भाई, कश्मीर भाई यार, वो राजस्थान उदयपुर जिला नहीं, कश्मीर भाई सागर राजस्थान, अपना राजस्थान। सो गाइज, फाइनली अभी हम पहुंच गए अमराई घाट, ठीक है ना। तो क्योंकि यार मुझे इन जगहों के नाम उतने याद नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ दोस्त आए ना तो ये मुझे इन जगहों के नाम बताते। आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो इस टाइम पे, ठीक है ना, जो अपनी डल लेक नहीं है यार,
सेम कुछ डल लेक है, लेकिन एक चीज़ है डल लेक में जो है ना, डल लेक में हाउस बोट है, तो यहाँ पे हमें वो सब नहीं मिलेगा। लेकिन ये आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ ना, वो बीच में थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो बीच में होटल है, होटल मुझे दिख रही है, ठीक है ना। तो उसके बीच में व्यू जो आ रहा है ना, शानदार का व्यू आ रहा है। तो इसे जब हम डल लेक के बीच से जाते हैं, वहाँ पे भी एक शानदार सा व्यू आता है, जब हम रात को बैठते वहाँ पे अलग मज़ा आता है। मैं आपको इस साइड दिखाने की कोशिश करूँगा, इस साइड जो व्यू है ना बहुत अच्छा है। ये देखो आप देख सकते हो, सो आप देख सकते हो, तो उदयपुर झीलों की नगरी, ठीक है ना। अभी पहले एक झील पे हम गए थे, अभी और एक झील पे आ गए। तो चलो मैं कोशिश करूँगा मुझसे जितना हो सकेगा कि मैं ये व्यू जो है ना आपको दिखा पाऊँ। तो चलो आप देख लेना व्यू। सो गाइस, ये जो बीच में है ना, इसका व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, ये मुझे बहुत पसंद आया। कमेंट में ज़रूर कहना कि आपको ये पसंद आया नहीं आया। इसके साइड साइड से चलते ये चेक करो गाइस, यहाँ से देखो, यहाँ से भी बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है, व्यू काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। ये देखो भाई, बहुत स्पेशल व्यू आ रहा है। सो चलो, दो जगह तो आपने देख ली, अब एक काम करते हैं, इसके बाद हमें जाना है रूम पे। सो गाइस, फाइनली हम आ गए। मैं आज का व्लॉग आपने देख ही लिया, झीलू की नगरी, ठीक है ना। तो दो झीलों पे तो आज हम गए थे, अब कल भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। सो चलो करते एक काम, जो भी मेरे चैनल पे नया हो ना भाई, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द।